पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सही बात है, हम भी अपने मकानों पे लिखेंगे। और इसका रास्ता वैसे है, वो उधर सही है, ये पता नहीं कैसे इन्होंने ले लिया। 50 से 60 साल पुरानी दीवार है ये, कभी यहाँ पे किसी का रास्ता था ही नहीं। हिंदू मुस्लिम में ये लड़ाई करवाना चाहते हैं। ये मकान बिकाऊ है, क्यों लिखा है इनकी वजह से, ये हमें परेशान कर रहे हैं। चौकी में जाते, चौकी में कोई नहीं सुनता है। ये रास्ता तो है, लिखन में बंद है, ये लिखन में बंद है, बिल्कुल में बंद है ये रास्ता। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में थाना कटघर क्षेत्र में क्षेत्रीय पुलिस का कारनामा सामने आया है। मामला है भोलानाथ कॉलोनी का, जहां पर एक परिवार धनवान के हथकंडों से त्रस्त होकर अपना मकान बेचने को मजबूर हो गया। ऐसा देख पूरी कॉलोनी के लोग भी अपने मकानों को बेचकर जाने को तैयार हैं। इनका कहना है कि जब पुलिस ही हमारी नहीं सुनेगी तो कॉलोनी में हमारी सुरक्षा कौन करेगा, क्योंकि यहां तो जबरदस्ती ही झगड़े कर पीड़ितों को जेल भेजा जा रहा है। दरअसल विवाद शुरू हुआ एक फैक्ट्री कर्मी के द्वारा कॉलोनी में अवैध गेट खोलने के बाद। फैक्ट्री कर्मी के द्वारा जब गेट खोला गया तो इसका विरोध पूरी कॉलोनी ने किया और शासन प्रशासन तक शिकायतें की गई, जिसके बाद लेखपाल ने मौके पर पहुंच जांच की और जांच में गेट को अवैध पाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बल्कि कॉलोनी के ही कुछ लोगों पर दबाव बनाया। फैक्ट्री स्वामी के द्वारा अवैध गेट के संबंध में न्यायालय की शरण ली गई और कुछ कागजात पुलिस को दिखाए गए, जिन्हें चौकी इंचार्ज के द्वारा स्टे बताया गया। हालांकि अभी तक इस मामले में स्टे है या नहीं कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और गेट लग गया। मामले में विवाद और बढ़ा और दोनों ही पक्षों में आपसी मतभेद और बढ़ गए। पीड़ित परिवार के अनुसार परिवार को धमकाया गया, जिस पर पीड़िता को गुस्सा आया और विवाद उत्पन्न हो गया। अब पुलिस की कार्यप्रणाली कितनी शानदार रही, ये ही उत्सुकता की बात है। पुलिस ने आधी अधूरी वीडियो देखकर ही पीड़ित परिवार के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई कर चालान की कार्रवाई कर दी, जबकि पीड़िता के मुताबिक पुलिस को सूचना भी पीड़ित के द्वारा ही दी गई और धारदार हथियार भी पुलिस को थाने ले जाकर सौंपा गया, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। पीड़िता ने एसएसपी को मामले में एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें एसएसपी से पीड़िता ने गुहार लगाई है। इस मामले में जब कॉलोनी में जाकर लोगों से बातचीत की गई तो सभी ने मामले को पूरी तरह बताया। अब ऐसे में चौकी इंचार्ज पीड़ित को हथियार पर दर्शा रहे हैं, जबकि वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके बाद इतना तो तय है कि साजिश और हमसाजी के बलबूते पर सब कुछ संभव है। क्रांति, अच्छा बताइए क्या परेशानी है? जय आए दिन परेशान करता रहता हमें, और हम जाते आते हैं तो मतलब अपनी निगाह से, गंदी निगाह से देखता है। कौन? ये विकास कश्यप। रास्ते में मिला, ये कह रहा था मतलब मैं तेरे बच्चों को तुझे मरवा दूंगा, तो इसलिए मैं मकान भी बेच रही हूँ। कल बहुत 23 तारीख में जब झगड़ा हुआ तो इसके घर, इसके फर्म में से सब जितने भी कारीगर थे तलवारें और सरिया ले लेकर यहाँ आए मारने के लिए। मकान क्यों बेच रहे हैं? मकान इसीलिए बेच रहे हैं। किस लिए? इसलिए बेच रहे, परेशान करता रहता आए दिन, धमकी देता, पुलिस से शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हुई, नहीं थाने में नहीं चौकी में। खुलवाया गया जबरदस्त, और इसका रास्ता वैसे वो उधर सही है, ये पता नहीं कैसे इन्होंने ले लिया है, कैसे करा है, इसकी कैसी रजिस्ट्री, ये हमें कुछ नहीं पता। इधर का गेट है नहीं, रास्ता उधर ही है वैसे, क्योंकि इन तीनों का रास्ता इधर नहीं है। अगर ये होता तो इसके पहले से होता। मोहल्ले के लोगों को इधर जो है मुस्लिम लोग हैं, इसीलिए पहले ये बंद हुआ था, अब ये खोलना चाह रहा है। सारे मुस्लिम उधर से इधर होंगे, इधर से उधर होंगे, तो क्या फ़ायदा होगा? जब दीवार पहले से लगी, 50 साल पहले से है, आज से नहीं है। पहले क्यों ना खुली है? पहले से खुलती, 60 से 65 साल पुरानी, बहुत पुरानी है। इसे रिकॉर्ड देखो तब पता चलेगी कि हड्डी मिलकर रिकॉर्ड है क्या। कि यहाँ से जो, जैसे बहन जी ने बताया, 50 से 60 साल पुरानी दीवार है ये हड्डी मिल है, ये अपने किसानों की जगह है। आप रकबे में देख सकते हैं, पटवारी को बुला सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, कभी यहाँ पे किसी का रास्ता था ही नहीं। आज इन्होंने दबंगे से रास्ता खोल लिया है, और यही परेशानी है, यही मोहल्ले की परेशानी है। ये मकान पर क्या लिखा है? ये मकान बिकाऊ है। क्यों? इसीलिए ही कि ताकि ये इनके सामने वाले हैं और वही हाँ, ये सामने वाले हैं, इसमें मोमदन भी काम करते हैं, उसमें इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, टिपली कस्ती करेंगे, कल को लागू तो क्या कहाँ जाएंगे।
नाम है आपका? मेरा पुष्पा। हाँ, बताइए क्या? मैं चाहती हूँ कि ये गेट बंद किया जाए, इससे हमारे को बहुत परेशानी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे ये गंदे गंदे वर्ड का यूज़ करते हैं, इनमें जो फैक्ट्री में है मतलब ये गंदे गंदे वर्ड यूज़ करते हैं, इन पे हमारे बच्चों का असर पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ये गेट बंद किया जाए, जिधर से इनका मेन रास्ता है उधर से अपना रास्ता खोलें। रास्ता खोलें, बस हम ये चाहते हैं। आज ये कल को दूसरा भी होगा। हमें परेशानी ये है कि हम हिंदू हैं, ये हमारे मोहल्ले को मतलब ख़राब करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में ये लड़ाई करवाना चाहते हैं। तो हम चाहते कि अपने बिरादरी से मतलब रखें, हमसे कोई मतलब ना रखें। ये मकान पे क्या लिखा है? ये मकान बिकाऊ है। क्यों लिखा है? इनकी वजह से ये हमें परेशान कर रहे हैं। चौकी में जाते, चौकी में कोई नहीं सुनता है। ये तो पैसे दे देते हैं, पैसे से उनकी जेब गर्म हो जाती है। कितने घर हैं? लगभग लगभग है 150 घर परेशान है। चौकी में हमने शिकायत की है, पार्षद के पास भी हम गए थे, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई भी नहीं सुनवाई हुई। वहाँ उल्टा पुलिस वाले कहते जाओ नहीं तुम्हें ही अंदर कर देंगे। हम सारी औरतें गए थे, सभी आदमी गए थे, इन्होंने हमें ही धमकी दी कि तुम्हें बंद कर देंगे। ये कोर्ट से लिखवा के लाएं कि इधर का रास्ता है। तो बताइए, जब रास्ता है तो वहाँ से यहाँ तक खुलना चाहिए कि ये जबरदस्ती खोलेंगे? ये बताइए, बस हमारी परेशानी है ये है कि गेट बंद कर दे। साधु हुसैन नाम, हड्डी मिल, क्या है यहाँ का ये रास्ता? तो है लिखन में बंद है, ये लिखन में बंद है, बिल्कुल खेत में बंद है ये रास्ता, बिल्कुल सही है। कोई खोलता है तो क्या खोला जा सकता है रास्ता? ये जनता की तरफ से बोले, जनता की तरफ से नहीं खोल सकते हैं क्या इस रास्ते को? अगर नहीं 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 बंद ही रहेगा। अच्छा, हमला है मेरे संज्ञान में है, मेरी जानकारी में है। मेरे पास कई बार क्षेत्र के लोग आए थे इस शिकायत को लेकर के लिए, और मैंने इस विषय में एक बार मीटिंग भी की थी दोनों पक्षों को बैठाल करके रही हैं। और जब दोनों पक्षों के मैंने पेपर्स देखे तो शायद एक विकास कश्यप नाम से हैं, उनकी पत्नी ने एक प्लॉट ख़रीदा है, ये जहाँ तक है मेरा मानना ये बनिए हैं, अंदर शहर में रहते हैं। उसमें पहले उनका हड्डी मिल था, उस हड्डी मिल में एक नई आबादी हो रही है। उस हड्डी मिल की दीवार करीब कोई चारों तरफ से उनकी अपनी हद जो है वो 8 से 10 फीट ऊंची थी, और उसके पीछे की साइड में जो है जो भोलानाथ कॉलोनी है वो रास्ता भोलानाथ कॉलोनी वालों का रास्ता है उसके बराबर से। उस रास्ते में कुछ ज़बरदस्ती जानकारी मुझे मिली तो मैं उसमें गया था कि भाई ये रास्ता इधर खोल रहे हैं और इधर की चित्रवासी नाराज हैं। मैंने काफ़ी समझाने का प्रयास किया इस विषय में, मैं एक आध बार चौकी भी गया, मेरी चौकी इंचार्ज साहब से मेरी बात हुई, परंतु उन्होंने चौकी इंचार्ज ने कहा बोले भाई देखो भाई ये सिविल का मामला है, ये हमारे अंतर्गत में नहीं आता है भाई, देखो झगड़ा तो कोई करना नहीं, तो झगड़ा कभी आज तक नहीं हुआ वहाँ पर। लेकिन पीछे मेरे को जानकारी मिली कि भाई कि वो शायद कोर्ट में चले गए विकास कश्यप उनकी पत्नी, अब कोर्ट से कोई वो आदेश करा लाए हैं और आदेश करा कर ला दिखाया उन्होंने भी मैं आदेश करा लाया हूँ, उन्होंने वो ज़बरदस्ती जो उसको लोगों को गेट लगा दिया है, जबकि उनका रास्ता उधर को नहीं बनता है। उनका नंबर 83 है और जिधर को उन्होंने रास्ता खोला है वो नंबर 84 है, जो कि उनके अंतर्गत नहीं आता है, और ना ही जिन्होंने उन्हें प्रॉपर्टी बेची है उन्होंने उस रास्ते को उसमें दर्शाया है 84 में। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।